नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक प्राचीन हिंदू राज्य के देश के बारे में बात करने वाले हैं। पहले उस हिंदू राज्य के बारे में जानकारी देते हैं। उस राज्य का नाम है चंपा। चंपा दक्षिण पूर्व एशिया पूर्वी हिंची स्थित एक प्राचीन हिंदू राज्य था। यहाँ भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार था और इसके राजाओं के संस्कृत नाम थे। इन्होंने हिंदू धर्म 4वीं शताब्दी ईस्वी में पड़ोसी फुनान राज्य से संघर्ष और उस पर विजय प्राप्त करने के बाद अपनाया। हिंदू धर्म ने सदैव से चंपा साम्राज्य की कला और संस्कृति को आकार दिया है, जैसा कि कई चाम लोग की हिंदू मूर्तियों और लाल ईंट के मंदिरों में देखा जा सकता है। अन्नम प्रांत के मध्य और दक्षिणी भाग में प्राचीन काल में जिस भारतीय राज्य की स्थापना हुई उसका नाम चंपक था। नृजातीय तथा भाषाई दृष्टि से चंपा के लोग चाम्प मलय पॉलिनेशियन थे। वर्तमान समय में चाम लोग वियतनाम और कंबोडिया के सबसे बड़े अल्पसंख्यक हैं। वियतनाम दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक अद्वितीय देश है। ये देश अपनी प्राकृतिक सौंदर्य, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आकर्षक पर्यटन स्थलों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। वियतनाम का इतिहास 2700 वर्षों से भी अधिक कालखंड में फैला हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के मामले में इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीन रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान ने फ्रांसीसियों को वियतनाम से हटाकर उस पर अपना अधिकार कर लिया। युद्ध की समाप्ति पर फ्रांस ने अपनी खोई सत्ता को पुनः स्थापित करने की चेष्टा की, जिसके फलस्वरूप प्रथम हिंचीन युद्ध हुआ। वियतनाम की राजधानी हेनोई है, जहां आपको पुरानी दुकानों, चाय की दुकानों, मंदिरों और उत्कृष्ट खाने के स्थानों का आनंद लेने का अवसर मिलेगा। सबसे बड़ा शहर हो ची मिन्ह सिटी, जिसे पहले साइगनोन कहा जाता था, है जहां आप व्यापार, विनोद और मॉडर्न शहरी जीवन का आनंद ले सकते हैं। वियतनाम का इतिहास बहुत रोमांचकारी है। यहां प्राचीन साम्राज्यों का विरासत, युद्धों और स्वतंत्रता संग्रामों की कहानियां हैं। वियतनाम युद्ध 1955-1975 में विश्व भर से आए लोगों ने विश्वास के अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किए, जब वे आज़ादी के लिए संघर्ष किया। वियतनाम एक खाद्य की स्वर्ग है। यहाँ के व्यंजन रंग बिरंगे, स्वादिष्ट और सुंदरता से भरपूर हैं। चाय और कॉफी की खेती यहाँ के मुख्य उत्पादन क्षेत्र हैं, इसलिए आपको अद्भुत चाय और कॉफी का स्वाद अनुभव करने का अवसर मिलेगा। इसके अलावा फो और फो छाव जैसे खाने के व्यंजन यहाँ की प्रमुखता हैं और आपकी जीभ को खुश करने के लिए उन्हें आपसे मिलवाना नहीं चाहेंगे। वियतनाम का दर्शनीय स्थल सूची में हालोंग खाड़ी, नहा त्रांग बाई त्रांग नूडल्स, हुयन, सपा घाटी, दालात और मेकान मिलन जैसे स्थान शामिल हैं। यहाँ आप प्राकृतिक दृश्य, मंदिरों, वन्य जीवों और विशेष आर्किटेक्चर का आनंद ले सकते हैं। तो ये थी हमारी वियतनाम की यात्रा। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके पास कोई प्रश्न है या आप वियतनाम के बारे में कुछ अधिक जानना चाहते हैं, तो कृपया कमेंट्स में हमसे संपर्क करें। धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में।